हे वेलकम बैक टू अनदर ऑडेसिटी ट्यूटोरियल। ये 6th ट्यूटोरियल है हमारी ऑडेसिटी ट्यूटोरियल सीरीज का। ऑडेसिटी सीरीज के सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप किसी ऑडियो की स्पीड, पिच एंड टेम्पो को एडजस्ट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। सो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ऑडियो फाइल को इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे फाइल पर, क्लिक ऑन इंपोर्ट, देन ऑडियो, और यहाँ पर एक टेस्ट फाइल है, इसको मैं इंपोर्ट करूँगा। तो अब हमें यहाँ पर फिर से पूरी फाइल को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस ए, या फिर आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिलेक्ट पर जाके ऑल पर क्लिक करेंगे तो भी पूरी फाइल सिलेक्ट हो जाएगी। तीन तरीके से आप अपनी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है इफेक्ट पर, एंड यहाँ पर सिलेक्ट करना है चेंज स्पीड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्पीड मल्टीप्लायर है एंड परसेंटेज चेंज है। तो यहाँ पर 0% है, मतलब कि अगर हम ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिप पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब अगर हम चाहते हैं कि इस क्लिप की स्पीड तेज़ हो जाए तो हमें यहाँ पर इसको जो परसेंटेज चेंज है वो बढ़ाना होगा। अगर मैं यहाँ पर इसको ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर परसेंटेज चेंज बढ़ रहा है, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर कोई वैल्यू डाल सकते हैं। अगर मैं 50% चेंज करना चाहता हूँ तो स्पीड मल्टीप्लायर 1.5 यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप करंट लेंथ देखेंगे तो यहाँ पर 4.01 सेकंड्स हैं। हमने क्योंकि स्पीड को बढ़ाया है यहाँ पर, तो ये नई लेंथ है 2.678 सेकंड्स। मतलब यहाँ पर ये जो क्लिप है ये 4 सेकंड की जगह 2.67 सेकंड्स की हो जाएगी। तो जब मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये छोटी हो गई क्लिप। अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ। This is a test audio for Audacity tutorial series. अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप स्पीड को चेंज करते हैं तो उसके साथ साथ टेम्पो एंड पिच भी चेंज होता है। तो ये स्पीड तो आपकी बढ़ेगी लेकिन पिच जो है वो भी हाई हो जाएगी। और अगर आप परसेंटेज चेंज को कम करते हैं, माइनस में ले जाते हैं, तो अगर मैं इसको -50 कर देता हूँ तो यहाँ पर 0.5 सेकेंड हो जाएगा, और जो 4 सेकंड की क्लिप थी वो 5 सेकंड्स की हो चुकी है। अब हम इसको सुन के देखते हैं। This is a test audio for Audacity. तो यहाँ पर पिच जो है वो काफ़ी लो हो चुकी है और एक हैवी वॉइस आ रही है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब हम स्पीड चेंज करते हैं तो पिच भी पूरी साथ साथ चेंज होती है। अब लेकिन आप इसकी स्पीड तो बढ़ाना चाहते हैं लेकिन आप चाहते नहीं है कि इसकी पिच खराब हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि फिर से कंट्रोल प्लस ए दबाना है, एंड इसके बाद हम जाएंगे चेंज टेम्पो पर। तो जब भी आप टेम्पो को चेंज करेंगे तो यहाँ पर पिच इफेक्ट नहीं होगी। तो चेंज टेम्पो विदाउट चेंजिंग पिच, यह ऊपर दिया हुआ है। अब यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है 0। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, 20% कर देता हूँ तो, और ओके करता हूँ, तो ये आप देखिए 4 सेकेंड से ये कम हो चुका है। अब प्ले करके देखते हैं। दिस इज अ टेस्ट ऑडियो फॉर ऑडेसिटी ट्यूटोरियल सीरीज। तो यहाँ पर इसकी जो टेम्पो है वो बढ़ गया है और पिच जो है वो चेंज नहीं हुई है। आप अगर चाहें तो इसको और ज़्यादा फास्ट भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको 50 कर देता हूँ एंड ओके पर क्लिक करता हूँ, अब प्ले करके देखते हैं। दिस इज अ टेस्ट ऑडियो फॉर ऑडेसिटी ट्यूटोरियल सीरीज। तो यहाँ पर पिच बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। इस तरीके से आप इसका टेम्पो चेंज कर सकते हैं, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप इसको माइनस में ले जाएंगे तो ये बहुत स्लो मोशन में हो जाएगा। -50 करके देखते हैं। दिस इज अ टेस्ट ऑडियो फॉर ऑडेसिटी ट्यूटोरियल सीरीज। तो ये इसकी स्पीड जो है वो स्लो हो चुकी है, जो टेम्पो है वो स्लो हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसको स्लो भी कर सकते हैं। अब फाइनली हम देखेंगे कि कैसे इस ऑडियो की आप पिच जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो आपको कंट्रोल ए पर क्लिक करना है, ये पूरी फाइल सिलेक्ट हो गई है। अब हम इफेक्ट पे जाएंगे एंड चेंज पिच पर क्लिक करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पिच का ऑप्शन है, एंड यहाँ पर ये स्केल दिए हुए हैं। अगर आप थोड़ा म्यूजिक समझते हैं तो यहाँ पर ये स्केल्स आपको दिए हुए हैं। आप फ्रॉम एफ, इसने इसको ऑटो डिटेक्ट किया है, ये एफ स्केल पर है ये पूरा ऑडियो। और अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर ई पर कर सकते हैं, या जो भी, मतलब आपको जिस तरीके से भी इसको चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हैं। और अगर पिच को चेंज करना है आपको तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको। अगर आप इसको 22 एंड इसको ओके करेंगे तो लेंथ जो है
जो ऑडियो की वो तो 4 सेकेंड ही रहेगी, लेकिन पिच यहाँ पर चेंज हो जाएगी। दिस इज अ टेस्ट ऑडियो फॉर ऑडेसिटी ट्यूटोरियल सीरीज। तो आप देख सकते हैं इसकी पिच पूरी चेंज हो चुकी है। अब मैं फिर से पिच पर जाऊंगा एंड इसको मैं -40 कर देता हूँ और अब हम सुन के देखते हैं। दिस इज अ टेस्ट ऑडियो फॉर ऑडेसिटी ट्यूटोरियल सीरीज। तो यहाँ से आप पिच को भी चेंज कर सकते हैं, -1 करके देखते हैं। This is a test audio for Audacity Tutorial Series. Okay, तो अगर इसको आप 0 रखेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा वापस। This is a test audio for Audacity Tutorial Series. Okay. So दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपनी ऑडियो की स्पीड को, पिच को और उसके टेम्पो को एडजस्ट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। और अगर आप कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर।